Dear students, I am Dr. Harbhan Singh from the Department of Business Administration, SPC Government College, Ajmer. Last lecture में हमने segmentation के कुछ criterias को discuss किया और ये भी discuss किया कि वास्तव में segmentation क्यों ज़रूरी है. उससे पहले वाला जो पार्ट वन था उसमें हमने सेगमेंटेशन के बारे में जाना और सेगमेंटेशन क्यों ज़रूरी है इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि आपके पास कोई बड़ा काम है, आप उस काम को एक साथ नहीं कर सकते, तो आपने उस काम के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं और उन छोटे छोटे टुकड़ों को आप धीरे धीरे कंप्लीट करते जा रहे हैं. डिवीज़न ऑफ वर्क आपने पढ़ा हुआ है मैनेजमेंट में, तो उसी तरह से ये डिवीज़न ऑफ मार्केट है. ताकि हम अपनी जो बिज़नेस डेफिनेशन है उसको अच्छे से डिफ़ाइन कर पाएँ और उसे डिफ़ाइन करने के बाद में हम उसे अच्छी तरह से सर्व कर पाए. तो आप देखिए कि जब ये सेगमेंटेशन हो जाएगा तो जो वहाँ की पॉपुलेशन है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को पहचानना इजी हो जाएगा कि वो जो पॉपुलेशन है वो किन गुणों को धारण करती है और उस हिसाब से हम अपना प्रोडक्ट डिज़ाइन कर पाएंगे. यहाँ पर ये भी बात मैं बताना चाहूँगा कि जो होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है उसमें जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो पहले अपनी संभावनाओं को देखती हैं कि यहाँ पर क्या संभावनाएं हैं और अपनी एबिलिटीज़ और कैपेसिटीज़ यानी कि कैपेबिलिटीज़ को देखकर ये डिसाइड करती हैं कि प्रोडक्ट वास्तव में होगा क्या. पहले ये होता था कि प्रोडक्ट पहले से डिसाइड होता था लेकिन उसमें फेलियर के जो चांसेस थे वो ज़्यादा थे. तो जस्ट रिवर्स मैनेजमेंट थिंकर्स ने ये जस्ट रिवर्स तरीका निकाला कि आप पहले अपनी संभावनाओं की तलाश करें और जो भी संभावनाएं हैं उन संभावनाओं के अनुरूप ही आप अपना प्रोडक्ट को डिज़ाइन करें. तो आपको सेगमेंटेशन थोड़ा ठीक समझ में आ रहा होगा. अब हम इसके जो बाकी के सेगमेंटेशन के जो बेसिस हैं उनके जो आधार हैं विभक्तिकरण के जो आधार हैं उनको डिस्कस करते हैं. देखिए जो साधारण रूप से जो विभक्तिकरण के आधार थे बेसिस फॉर सेगमेंटेशन जो थे हम उनकी चर्चा कर चुके हैं जिनमें मुख्यतया ज्योग्राफिक और डेमोग्राफिक आते हैं और डेमोग्राफिक में भी एन नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं जिनके अनुसार बेसिस हैं जिनके अनुसार हम बाज़ार का विभक्तिकरण कर सकते हैं. आज के लेक्चर में जो विभक्तिकरण के सेगमेंटेशन के जो बेसिस हम लेने वाले हैं वो थोड़ा सा अनकॉमन रहता है लेकिन जो कंपनीज हैं वो इनके ऊपर ज़्यादा फोकस करती है. तो ज़्यादा फोकस करती है इट मींस कि वो प्रॉपर मार्केटिंग रिसर्च उसके ऊपर अप्लाई करती है. प्रॉपर मार्केटिंग रिसर्च से ये पता लगता है कि जो संभावना है जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं और जो कंज्यूमर है जो पोटेंशियल कंज्यूमर्स हैं उनके टेस्ट नीड्स वॉन्ट्स फैशन और जो भी प्रभावित करने वाले कारक हैं उनका स्टेटस क्या है. कई बार ऐसा देखा जाता है कि लाइफस्टाइल चेंजेस होने के कारण किसी कोई प्रोडक्ट डिमांड में आता है लेकिन जहाँ पर कल्चरल इन्फ्लुएंसेस बहुत ज़्यादा हैं
जो अपने कल्चर के प्रति बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, उन उनमें लाइफ स्टाइल चेंजेस देखने को बहुत कम आता है। तो इस तरीके से प्रॉपर मार्केटिंग रिसर्च के थ्रू इन सभी वेरिएबल्स का हम इन सभी वेरिएबल्स को हम बहुत अच्छी तरीके से स्टडी करते हैं, और स्टडी करने के बाद में सेगमेंटेशन करते हैं। देखिए, आपको यहाँ पर साइकोग्राफिक लाइफ स्टाइल दिख रहा होगा। साइकोग्राफिक लाइफ स्टाइल एक परसेप्शन है कि कोई व्यक्ति अपनी लाइफ स्टाइल को किस तरह से देखता है। जैसे कि कोई कल्चर ओरिएंटेड है, कल्चर का प्रभाव उनके ऊपर बहुत ज़्यादा है, वैसे ही पहनावा है, खान पान रहन सहन वैसा ही है। कोई स्पोर्ट्स ओरिएंटेड है, उन स्पोर्ट्स की तरफ उनका इंक्लिनेशन झुकाव ज़्यादा है, तो उनका जो लाइफ स्टाइल है वो पूरा स्पोर्ट्स की तरह है। कोई आउटडोर ओरिएंटेड है, कोई इंडोर ओरिएंटेड है, कोई बहुत ज़्यादा बाहर घूमना फिरना पसंद करता है, कोई अंदर रहना ज़्यादा पसंद करता है, घर में ऑफिस में। तो ये एक साइकोग्राफिक है कि लाइफ स्टाइल का जो तरीका है वो किस प्रकार का है। तो ये भी एक प्रोडक्ट के लिए एक संभावनाएं तलाशने का एक वेरिएबल इसलिए है क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द पीपल हैं वो कौन सी कैटेगरी में आ रहे हैं, तो ये देखकर पता चलेगा कि उनको किस तरह के प्रोडक्ट की संभावनाएं मिलती हैं और किस तरह का प्रोडक्ट उनको डिज़ाइन करना चाहिए। पर्सनैलिटी किस तरह की है? कंपल्सिव है, ग्रिगोरियस है, ऑथोरिटेरियन है, एम्बिशियस है। आपने पर्सनैलिटी पढ़ा होगा, उसमें पर्सनैलिटी टाइप में आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति किस तरह से अपनी पर्सनैलिटी को कैरी करता है, किस तरह से उसका बिहेव रहता है। फिर इसी के साथ में आप देखिए कि जो बिहेवियरल ओकेजन्स हैं, रेगुलर ओकेजन है या स्पेशल ओकेजन, वो फोकस किस बात को करते हैं। जो ऑथोरिटेरियन और एम्बिशियस हैं वो स्पेशल ओकेजन्स के प्रति बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक रहते हैं, लेकिन जो रेगुलर ओकेजन्स है वो सो रहता है। वहाँ पर उनका जो व्यवहार है वो ठीक ठाक से रहता है ना, मतलब ज़्यादा फ्लक्चुएशन इन बिहेवियर वी 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 कांट ऑब्जर्व, हम ज़्यादा ऑब्जर्व नहीं कर सकते उन लोगों में जो कि रेगुलर ओकेजन्स पे और जो एक नॉर्मल पर्सनैलिटी जो कैरी करते हैं उनमें। यूज़र स्टेटस हो सकता है कि वो पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है वो किस तरह से उसका यूज़ हो रहा है। नॉन यूज़र यूज़ नहीं करते, एक्स यूज़र जो पहले यूज़ करते थे, पोटेंशियल यूज़र्स यानी कि आगे यूज़ कर सकते हैं, फर्स्ट टाइम यूज़र्स और रेगुलर यूज़र्स। बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो लाइफ स्टाइल की फेजेस के अनुसार चेंज होते हैं। आप देखिए कि जो फूड प्रोडक्ट्स हैं उसमें जो छोटे बच्चे हैं वो नूडल्स बहुत पसंद करते हैं, लेकिन अगर बड़े लोगों की बात की जाए तो वो नूडल्स ज़्यादा प्रेफर नहीं करते। तो एक तरह से देखा जाए तो जो बड़े जो ओल्ड एज पर्सन हैं वो उन नूडल्स के एक्स यूज़र्स हो गए, और जो बच्चे हैं वो यूज़र्स हैं, रेगुलर यूज़र हैं कि हाँ उनको हफ्ते में 2 बार नूडल्स खाने होते हैं इस तरीके से। तो बहुत सारे प्रोडक्ट इस तरह से डिज़ाइन किए जा सकते हैं। अब ये जो सेगमेंटेशन का बेस है, ये आप ऑब्जर्व कीजिएगा कि ये सिंगल सेगमेंटेशन के बेसिस कभी भी काम नहीं करते हैं, सिंगल काम नहीं करते हैं। इनके साथ में दूसरी चीज़ें भी जुड़ती हैं, इनके कॉम्बिनेशंस बनते हैं। अगर हम कोई भी एक सिंगल सेगमेंटेशन का बेस लें तो हो सकता है कि वो हमको सही डिसीज़न ना दे। तो बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं सेगमेंटेशन के जो साथ में चल सकते हैं। देन यूसेज रेट, कौन किस किसका कितना कंजम्पशन है। लाइट यूज़र कम यूज़ करते हैं, मीडियम यूज़र मध्यम उनका स्तर है यूज़ करने का, हैवी यूज़र्स बहुत अधिक यूज़ करते हैं।
आप देख लीजिए कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है वहाँ पे आटा कम यूज़ होता है, लेकिन भारत भारत में लगभग लगभग आटा ही यूज़ होता है। या फिर आप साउथ इंडिया और नॉर्दर्न इंडिया में कंपेरिजन करें तो गेहूं का यूज़ नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा होता है और दाल और चावल का यूज़ साउथ इंडिया में ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से जो यूज़ेबिलिटी है वो पता लगती है। देन लॉयल्टी स्टेटस, देखिए आजकल ये देखने में आया है कि क्योंकि वैरायटीज़ बहुत ज़्यादा हैं चीज़ों की, आप शैम्पूज़ को ले लीजिए, शैम्पूज़ में भी अलग अलग वैरायटी आती है, कोई अलग अलग उसमें पैकेजिंग भी होती है, उनका कलर अलग रहता है, उनके फ्रेग्रेंसेस अलग रहती है, उनके जो जो ट्रीटमेंट प्रोसीजर है वो भी अलग रहता है। तो आप देखिए कि वो यूज़र्स को कोई वेरिएंट पसंद आता है, वो उनको सूट हो जाता है, तो वो फिर उनका जो लॉयल्टी लेवल है वो अच्छा हो जाता है, क्योंकि उनको सूट हो जाता है तो वो वही प्रोडक्ट खरीदते हैं। जिसको दूसरा वेरिएंट यूज़ होगा वो वही प्रोडक्ट खरीदेगा। लेकिन कोई ऐसे यूज़र्स भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा कैजुअल होते हैं, कभी जो मिल गया वो उन्होंने प्रोडक्ट ले लिया, यूज़ करा, फिर वो नहीं मिला तो दूसरा ले लिया। तो ये लॉयल्टी लेवल बताता है कि पहली कैटेगरी थी वो बहुत ज़्यादा लॉयल हैं अपने प्रोडक्ट के लिए, दूसरा कैटेगरी में वो लॉयल्टी नहीं है, उनको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो काम चला लेंगे। देन रेडीनेस स्टेज मीन्स वो कब यूज़ करेंगे, अनअवेयर मतलब उनको पता ही नहीं है, फिर अवेयर उनको पता है, इन्फॉर्म्ड इंटरेस्टेड है, इन्फॉर्म भी है, इंटरेस्टेड भी हैं बट उन्होंने अभी प्रोडक्ट लिया नहीं है, डिज़ायरस है मतलब उनके मन में इच्छा है कि वो कभी ये प्रोडक्ट लें, या इंटेंडिंग टू बाय वो अभी ख़रीदने का सोच रहे हैं। आप देखिए ऑटोमोबाइल्स में अलग अलग कारों के जो मॉडल्स आते हैं, नए आते हैं, नए फीचर्स आते हैं, सेफ्टी फीचर्स हैं, इंटीरियर्स हैं, उनका लुकिंग है, उनकी प्राइसिंग है, तो अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से आता है कि कोई रोल्स रॉयस अफोर्ड कर सकता है, उसने ले भी ले, यूज़र बन गया वो, लेकिन वही रोल्स रॉयस किसी के लिए तो डिज़ायरियस है, वो हमेशा ही सोचेगा कि उसके पास भी हो, और कोई सोच रहा है कि हाँ उसके पास है लेकिन अभी वो सोच रहे। तो जो रेडीनेस स्टेज है वो क्या है, इस तरह से भी हम प्रोडक्ट का डिसीज़न लेते हैं, प्रोडक्ट को लॉन्च करने का डिसीज़न ले सकते हैं या प्रोडक्ट को बनाने की सोच सकते हैं। देन एटीट्यूड टुवर्ड प्रोडक्ट वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए आपका एटीट्यूड ये बताएगा कि जो मार्केट है वो फंक्शनिंग कैसे करेगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में जो कंज्यूमर्स होते हैं उनका एटीट्यूड बहुत एवरेज लेवल का होता है कि वो प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं और प्रोडक्ट अगर सही से परफॉर्म कर रहा है, उन एप्लीकेशंस को पूरा कर रहा है प्रोडक्ट, तो वो उस प्रोडक्ट के लिए बहुत पॉजिटिव एक पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। बाकी कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनके लिए लोग एंथुजियास्टिक होते हैं, नया नया फ़ोन लॉन्च होते हैं तो प्री बुकिंग होती है, उसमें लोग बहुत एंथुजियास्टिक होते हैं, फिर वो फ़ोन बहुत कॉमन हो जाते हैं तो वो फिर एंथुसियाज़म उनका ख़त्म हो जाता है। कुछ लोग डिफरेंट भी होते हैं, डिफरेंट हाँ ठीक है, जैसे फ़ोन है, फ़ोन का बात करने का काम है, या थोड़ा बहुत व्हाट्सएप या फिर कुछ और आपके एप्लीकेशंस हैं, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट है, उनका जो छोटा मोटा काम उनको करना होता है वो फ़ोन पे कर लेते हैं, तो वो इनडिफरेंट है, ठीक है कोई सा भी ब्रांड चलेगा और उनकी कॉस्ट भी कोई चलेगी, लेकिन उनका काम होना चाहिए, इनडिफरेंट रहेंगे वो। फिर कुछ नेगेटिव है, नहीं ये इस कंपनी का, इस ब्रांड का फ़ोन बिल्कुल अच्छा नहीं है, और वो नेगेटिव एटीट्यूड शो करेंगे। देन कुछ होस्टाइल हो जाएंगे कि वो इतने ज़्यादा ब्रांड के प्रति इतनी ज़्यादा लॉयल हैं कि उनको किस तरह किसी भी लेवल का प्रोडक्ट मिल जाए वो होस्टाइल ही रहेंगे, वो उसको बस ख़रीद लेंगे, तो
अगर आपकी पॉपुलेशन में होस्टाइल कैटेगरी के लोगों की संख्या ज़्यादा है तो आप बहुत इजीली पेनिट्रेट कर सकते हैं, वो पर्टिकुलर जो ब्रांड है वो इजीली अपने जो प्रोडक्ट है उसको इजीली लॉन्च कर सकता है और उनका ध्यान आकर्षित भी कर सकता है कंज्यूमर्स का। तो आप देखिए कि डिफरेंट डिफरेंट बेसिस फॉर सेगमेंटेशन है। सिंगल सेगमेंटेशन बेस कभी भी काम नहीं करता है। सिंगल सेगमेंटेशन में हमेशा संभावना रहती है फेल्योर की। तो जो कंपनीज़ है वो अलग अलग जो बेसिस हैं उनको एक साथ इकट्ठा करके स्टडी करते हैं कि अगर इस पर्टिकुलर लेवल पे अगर प्रोडक्ट को रखा जाए तो उनको कंपनी की तरफ से किस तरह से वो रहेगा, कंपनी की तरफ से कंज्यूमर्स के लिए जो ऑफरिंग होगी, जो प्रोडक्ट होगा उसके उसका लेवल क्या रहेगा, उसके फीचर्स क्या रहेंगे। यहाँ पर जो डेमोग्राफिक है, ज्योग्राफिक है और जो साइकोग्राफिक है, ये थोड़े बड़े सेगमेंटेशन लेवल्स हैं, बेसिस हैं, जिनको कंपनी नॉर्मली बहुत ज़्यादा स्टडी करती है। उनकी मार्केटिंग रिसर्च में इनका इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा रहता है, क्योंकि ये स्नैपशॉट हमको दे देते हैं कि हमको हमको जो प्रोडक्ट रखना है उसका फीचर क्या होगा, उसका क्वांटिटी क्या होगा, उसका पैकेजिंग क्या होगा। तो कंपनी को कम टाइम में ये सभी चीज़ों को डेवलप करना होता है, और क्योंकि बड़ी कंपनीज़ की बड़ी कैपिटल होती है तो उनको बहुत जल्दी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी चाहिए होता है। तो उनको उनकी कोशिश ये रहती है कि प्रोडक्ट ऐसा हो जो मार्केट में जाते ही हमारी इन्वेंट्री को, जो फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री है उसको ख़त्म कर दे, ताकि उनका ब्रेक इवन पॉइंट जल्दी आए और उसके बाद में उनकी प्रॉफिट अर्निंग स्टार्ट हो। ब्रेक इवन पॉइंट की बात हम मार्केटिंग में भी करते हैं, फाइनेंस में तो करते ही हैं, लेकिन मार्केटिंग में भी करते हैं, क्योंकि जहाँ तक देखा जाए तो हमारे जो फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट है और हमारी टीसी टीवीसी जो है वो, या टी और जो टीएफसी है, टोटल कॉस्ट, इसके हमारे दो हिस्से हैं, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है। तो हमारी जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो तो ऑलरेडी हमारी लग चुकी है, और जो वेरिएबल कॉस्ट है वो जैसे जैसे प्रोडक्शन होता जाएगा वैसे वैसे वो बढ़ती जाएगी। तो हमको एक ट्रेड ऑफ चाहिए होता है रेवेन्यू की तरफ से, कि हमारी जो कॉस्ट है वो रेवेन्यू के इक्वल हो जाए और हमको जो ब्रेक इवन पॉइंट है इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स, दोनों जल्दी से जल्दी अचीव हो ताकि प्रॉफिट अर्निंग शुरू हो पाए। तो अगर आप ध्यान से सोचिए कि मार्केटिंग के जो डिसीजंस होते हैं, कोई से भी डिसीजन, नॉट ओनली सेगमेंटेशन डिसीजंस बट टारगेटिंग, पोजिशनिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, डिलीवरी, जितने भी डिसीजंस हैं वो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर सीधा सीधा असर डालते हैं। तो आई होप आपको सेगमेंटेशन का आइडिया लगा होगा, आप समझ भी पाए होंगे अच्छी तरह कि सेगमेंटेशन क्यों ज़रूरी है। तो उसके बाद में हम सेगमेंटेशन के बाद में हम जब टारगेटिंग की बात करेंगे तो उसमें भी हम जो ये जो चीज़ें हैं उनका अब नेक्स्ट स्टेप देखेंगे कि सेगमेंटेशन के बाद हम टारगेटिंग में क्या करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम टारगेटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।